नमस्कार दोस्तों, पैसा तो बनेगा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक सीरीज में स्टार्ट करने की सोच रहा था, सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए और जो भी ज़्यादा टाइम ना ले। तो हर रोज़ हम एक छोटा सा रिव्यू करेंगे, जैसे ही दिन खत्म होगा उसके बाद मुझे जब भी टाइम मिलेगा तो मैं कोशिश करूँगा कि जो एंड ऑफ डे है उसका एक थोड़ा सा एक रिव्यू ले ले, क्विक रिव्यू ले ले, ताकि आपको नॉलेज भी मिलता जाए, इनपुट्स भी देते जाए और हम सीखते भी जाए। ठीक है, तो ये सब एजुकेशन पर्पस के लिए है और एनालिसिस पर्पस के लिए। ठीक है, तो आज का जो दिन ट्रेडिंग का जो एंड हुआ वो था August 8, 2018। तो चलिए देखते हैं क्या हुआ। ये मुझे भी आज का पता नहीं है, मैं सिर्फ ये देख रहा था। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि निफ्टी में क्या हुआ आज, ताकि और मैं इसमें अलग अलग चीज़ें हर बार इंक्लूड करता जाऊंगा। थोड़ा पेशेंस रखिए, क्योंकि मुझे भी इतना ज़्यादा टाइम नहीं रहता है। तो ये निफ्टी का आज का चार्ट है। आज का चार्ट देखने से पहले अपने क्या करेंगे कि इसका एक 5 दिन का चार्ट देख लेते हैं। तो मैंने टाइम फ्रेम क्या लिया, 5 डे और 15 मिनट्स का चार्ट देख लिया है। ठीक है, तो ठीक है, अब ये जो है वो आज का दिन है, पर मुझे वो नहीं देखना है, मुझे अभी तक का ट्रेंड ही देखना है। तो मुझे क्या पता चल रहा है कि जो 3 अगस्त है वहाँ से ये स्टॉक अप है। तो 3 अगस्त, 6 अगस्त, 7 अगस्त, मतलब अगले 3 दिनों में बाइंग आई है। तो मैं अगर 8 तारीख को सेंटिमेंट्स क्या रहेंगे, मुझे 3 दिन पहले का पता था। ठीक है कि क्या हुआ है, फिर एक 10 दिन का भी देख लेंगे कि 10 दिन का क्या हुआ है, 15 डेज का। तो देखो, तो 27 तारीख से भी ये अप था, पर ये जो 1 अगस्त है वहाँ पर ये डाउन गया था निफ्टी। ठीक है, और ये कितना डाउन गया था तो देख लेते हैं, ये कितना डाउन गया था, इसने लो मारा था 11,235 का लो मारा था। ठीक है, और अभी भी ये आगे ही बढ़ रहा है। तो ओवरऑल अभी का जो एक बहुत ही इमीडिएट ट्रेंड बोल सकते हैं, तो डेफिनेटली वो अभी तो डाउन में नहीं है। पर एक और चीज़ अपने देख लेते हैं, एक महीने का एक चार्ट देख लेते हैं इसका डेली बेसिस पर। ठीक है, तो पता चल जाएगा अपने को। तो ये डेली चार्ट है और ये 1 मंथ का चार्ट है, कैंडलस्टिक चार्ट है। ठीक है, तो हमें जुलाई से अगस्त में पूरा आप देख सकते हैं कि ओवरऑल जो ट्रेंड था निफ्टी का वो अभी भी अप ही है। ये जुलाई टू अगस्त वाला मैंने देख लिया। ठीक है, तो क्योंकि अगर आप इंट्राडे कर रहे हो दोस्तों तो भी ये सब देखना तो ज़रूरी है, वरना तो मैं ऐसे तो ये ट्रेड नहीं लूँगा। तो यहाँ से देखो क्या हुआ था कि अगर ये कह सकते हो कि पूरे जून में क्या हुआ था, ये थोड़ा साइडवे रहा था, फिर इसने यहाँ से एक ब्रेकआउट किया उसने और ये अभी अप ट्रेंड में ही है। ठीक है, तो बाय ऑन डिप्स वाला मामला है। ठीक है, फिर से मैं अपनी टाइम फ्रेम बदल लेता हूँ, फिर से मैं 1 डे में 15 मिनट में चला जाता हूँ। ठीक है, तो आज 8 अगस्त थी, तो 2-3 चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे क्या हुआ है। तो मैंने एक स्ट्रेटेजी पोस्ट की थी ORB प्लस कि जिसमें है फर्स्ट जो 3 कैंडल है 5 मिनट की, उसके ऊपर जो अगर ब्रेकआउट होता है तो बाई कर सकते हैं और इसके नीचे होता है तो सेल कर सकते हैं। अगर आपको पता नहीं है तो ORB प्लस देख लेना, पर ये 15 मिनट का चार्ट है तो मेरे लिए तो एक ही कैंडल इनफ होनी चाहिए। तो देखो, अगर यहाँ से मैंने निफ्टी बाई किया होता, इसके ऊपर गया होता, तो आराम से कितने पॉइंट का प्रॉफिट होता। और जो लॉट अपने ले रहे हैं 70-75 का, इनटू इतने पॉइंट कर दीजिए आप तो ये पता चल जाएगा। तो ORB क्या है, मैंने उसको बोला था कि 70-80% सक्सेस रेशियो देगा, मतलब 20% लॉस उसमें मैनेज करना पड़ेगा। तो ये देखिए आराम से, आज अगर मैं ORB फॉलो करता तो इसमें निफ्टी में आराम से ट्रेड आ जाता। अगर इनकेस नहीं आता तो भी मैंने इंट्राडे विनिंग, हाउ टू बिकम इंट्राडे विनर में इंट्राडे विनिंग सिस्टम का डिस्कस किया था। रिस्क मैनेजमेंट अगर मैं फॉलो करता हूँ तो मेरा जो मिनिमम 2% लॉस है जो मेरी टोटल कैपिटल का, तो वो ही मुझे भुगतना पड़ता। पर ये देखो मेरा अच्छा दिन था तो मेरा ट्रेड आ गया। दूसरी एक तो 12 PM वाली स्ट्रैटेजी है, वो भी है, तो वो भी देख लेते हैं। अगर मैंने इम्प्लाई की होती तो देखो यहाँ से ये ट्रेड ट्रिगर हो जाता, राइट, और ये जो फिर वो नीचे आ जाता और ये वाला स्टॉप लॉस हिट करता, राइट, अगर मैं 12 PM वाली फॉलो करता हूँ। पर नीचे, क्योंकि मैं हर बार ऐसा बोलता हूँ कि इंट्राडे करो तो काउंटर ट्रेडिंग करो, एक साथ ट्रेड मत करो। अगर आप एक साथ ट्रेड करोगे तो क्या होगा कि हमें पता ही नहीं कि मार्केट कौन से साइड ब्रेकआउट करने वाला है। ठीक है, हमको एक कैंडल पे डिसीजन लेते हैं, जैसे ORB है, 12 PM है, तो वो रिस्क लेना ही नहीं है कि एक साइड करा। तो ये 2 साइड वाला ट्रेड रखा होता तो क्या होता कि ये वाला स्टॉप लॉस ट्रिगर करके इतना रिटर्न हमको यहाँ पे दे देता। ठीक है,
और ये फिर से वहीं का वहीं आया। तो 12 इसमें क्या हुआ, इस दिन में जो 12 पीएम वाली स्ट्रेटेजी थी उसमें होता कि बहुत कम प्रॉफिट हो पाता, शायद दो तरीके से स्टॉप लॉस होते हैं, पर इसमें ओवर व्यू वाली स्ट्रेटेजी काम कर गई। ठीक है, तो निफ्टी में भी आप काफ़ी सारा एनालिसिस कर सकते हो। निफ्टी में और भी अलग अलग स्ट्रेटेजी से मैं आपको बताऊंगा, पर अभी मैं चीज़ें कॉम्प्लेक्स नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें अगर अच्छी तरह से अगर आप 12 पीएम में भी घुसे ना तो सिर्फ ब्रोकरेज देके ही बाहर निकलोगे, ऐसा नहीं कि आपको प्रॉफिट नहीं होगा। और निफ्टी लॉट्स वाइड्स होता है तो 0.5% का भी प्रॉफिट आप टारगेट कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है उसमें। ठीक है, इतना प्रॉफिट आ जाए, 0.75% प्रॉफिट आ जाए, निकल जाओ तो हो सकता है, इसमें कोई इश्यू है नहीं। क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली हुआ क्या है कि ये सब दोजी कैंडल, तो उस पर तो ज़्यादा विश्वास नहीं कर सकते, और यहाँ से अचानक से सेलिंग आ गया था, राइट। और लास्ट आवर में क्या हुआ, तो बाइंग हुआ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सेलिंग था तो शायद ये शॉर्ट रिकवर हुआ है कि क्या हुआ है वो तो आने वाला वक्त बताएगा, पर इतना भी ऊपर ले सकते हैं। ठीक है, फिर तो कुछ जो मेजर स्टॉक है वो देख लेते हैं कि जो ज़्यादा हमेशा मूवमेंट देते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक ACC को फटाफट देख लेते हैं। ACC को देखने से पहले अपने तो ये काम करेंगे कि पहले 5 डे का उसका एनालिसिस कर लेंगे अपने कि 5 डे में उसको क्या हुआ है। हाँ, तो 8 अगस्त से पहले का अगर मैं देखूँ तो वो डाउन गया था, फिर अप गया था, फिर ये कंटिन्यूसली डाउन मूवमेंट में है। मतलब ACC का क्या हो रहा है कि शायद पिछले 3-4 दिनों में हर दिन वो अपना रूप बदल रहा है, राइट। तो इसमें 10 दिन का भी देख लेते हैं कि 10 दिन में भी क्या हुआ था। तो 10 दिन का देखें तो चार्ट देखने से दोस्तों क्या पड़ता है, जिगजैग चार्ट लग रहा है, राइट। कंटिन्यूस सपोर्ट ले रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा है। तो मैं ये बता दूं कि ये एक्चुअली चीज़ अच्छी होती है, इसकी बुरी चीज़ नहीं होती है। जब भी स्टॉक ट्रेंड में चल रहा हो या तो बुलिश या बेरिश तो भी बहुत ही अच्छी बात है, पर नहीं चल रहा हो इसका मतलब क्या है कि वो भी फिर भी वो ट्रेड देगा ही देगा। देख लेते हैं वो किस तरह से ट्रेड देगा। तो जैसे कि वन डे वाला एक चार्ट ओपन कर लेते हैं इसमें। तो आज क्या हुआ था, आज की बात अगर जान ले तो अगर मैंने इसमें ORB फॉलो की होती तो ORB से ऊपर करता तो भी काफ़ी सारे पॉइंट मिल जाते हैं मुझको यहाँ पे। ठीक है, और दूसरा कि इसके नीचे तो गया ही नहीं है मार्केट। और जो 12 PM वाली स्ट्रेटेजी है, 12 PM वाली स्ट्रेटेजी है तो वो यहाँ और ये वाला स्टॉप लॉस हिट कर जाता यहाँ पे, और वो स्टॉप लॉस हिट करने से उसका काउंटर ट्रेड तो एग्जीक्यूट हो जाता ना। मैंने क्या किया होगा, जैसे अगर 12 बजे वाली स्ट्रेटेजी में अगर ACC में मैं घुसता तो मैं क्या करता, उसका हाई है 1547, तो मैं करीबन 1550 या उस समथिंग के ऊपर में बाइंग ऑर्डर डाल देता और उसका स्टॉप लॉस है ये वाला लो रख देता। ठीक है, ये मेरा एक ऑर्डर हुआ। अब इसमें क्या हुआ कि ये ऊपर गया, 1550 का डाला था और ये 52 तक जाके आया और फिर नीचे चला गया, राइट। इसने इसका लो भी तोड़ दिया तो मुझे स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा। पर मैं क्योंकि मैं काउंटर ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो मेरा जो 1544 वाला जो लो है वो भी एक उसमें ट्रिगर हो गया होगा नए ट्रेड में, तो वो 1544 से लेकर मुझे मार्केट ने 1528 तक का प्रॉफिट दे दिया। ठीक है, तो इसका ब्रोकरेज और उसका लॉस मिला हूँ तो नेट प्रॉफिट तो मुझे आराम से अच्छा खासा हो ही गया होगा। ठीक है, और भी काफ़ी सारी स्ट्रेटजी है पर मैं सिर्फ ये 2 या 3 स्ट्रेटजी यूज़ इस एनालिसिस में यूज़ करूँगा, क्योंकि इतना वक्त नहीं है कि सब हर एक अगर 10 स्ट्रेटजी है तो 10 स्ट्रेटजी अपने कर सके। ठीक है, तो ये एक बात पता चल गई। फिर एक रिलायंस ले लेते हैं कि रिलायंस में क्या हुआ। तो रिलायंस का सबसे पहले तो 5 दिन का एक नज़ारा देख लेते हैं कि 5 दिन में रिलायंस में क्या हुआ था। तो ये 5 दिन का एक चार्ट है तो हमें वो बता रहा है कि रिलायंस कंटिन्यूसली एक्चुअली 3 तारीख से ये अब ऊपर जा रहा है, राइट। और 10 दिन का एक ट्रेंड देख लेते हैं कि 15 मिनट के चार्ट में 10 मिनट में हुआ क्या है। तो कंटिन्यूस ये अप ही जा रहा है, राइट। एक या 2 दिन छोड़ के ये कंटिन्यूसली अप ही जा रहा है, राइट। तो बहुत ही अच्छा ट्रेंड है। तो मैं ये गलती नहीं करूंगा रिलायंस को शॉर्ट करने की, जब इतना कोई बुलिश स्टॉक हो तो मैं क्यों गलत साइड तो मैं नहीं जाऊंगा भाई ट्रेड करने के लिए। ठीक है, तो अगर वन डे वाला चार्ट देख ले तो कितना खूबसूरत चार्ट है। क्या बोला था मैंने कि मैं गलती नहीं करूंगा शॉर्ट करने के लिए, तो मैं ORB यूज करता, फुल प्रूफ मिलता इसमें, कोई रोक नहीं सकता था मुझे पैसा बनाने में। अगर ORB मिस हो गई 12 PM में था तो भी फुल प्रूफ बना जाए। तो इसलिए मैं दोस्तों कहता हूँ, जब मैंने काफी सारी स्ट्रेटेजी पोस्ट की थी तो उसमें मैं क्या बोलता था कि प्लीज ध्यान रखो जिसमें ट्रेंड कन्फर्म हो, या तो बुलिश साइड स्टॉक है या तो उसका इमीडिएट ट्रेंड कन्फर्म हो ना कि बुलिश साइड है कि बेरिश साइड, तो उसमें ये स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी काम करेगी। जैसे ही ट्रेड एग्जीक्यूट किया अगर उसका ट्रेंड इमीडिएट कन्फर्म है ना तो ये स्ट्रेटेजी आपको 100% आपको प्रॉफिट देगी। साइड वे में क्या है कि थोड़ा रिस्क मैनेजमेंट में ध्यान रखना पड़ता है, थोड़ा वो स्टॉप लॉस ज़्यादा हिट करेगा, इसलिए काउंटर ट्रेड का मैं कंसेप्ट जो लाया ना मैं, जिसको हेजिंग बोल सकते हो आप लोग, वो
मैं जब वो खुद ट्रेड करता था ना, सिर्फ इसलिए लगा क्योंकि साइडवे मार्केट में मैं कैसे चलूँ, ना तो उसमें आपकी चलेगी, ना तो मेरी चलेगी, ना किसी की भी नहीं चलेगी। तो मुझे इसलिए वो काउंटर ट्रेडिंग वाला कंसेप्ट लाना पड़ा कि कोई बात नहीं, अगर जिगजैग स्टॉक चल रहा है और हमको पता नहीं चल रहा है तो मैं क्या करूँगा कि हर एक बार मैं काउंटर ट्रेड करूँगा ही करूँगा। तो काउंटर ट्रेड में क्या होता है कि मैं ओवरऑल मेरा लॉस है वो 90% कम हो जाता है। सोचो कि ये तो ठीक है, रिलायंस बुलिश मोड में काफ़ी टाइम से है, हम सबको पता है, जितने भी ट्रेडर उसको पता ही होगा, ये कोई नई बात नहीं है कि काफ़ी दिनों से रिलायंस बुलिश ट्रेड में है। पर मैं मानता हूँ कि यहाँ पे भी अगर ये 15 मिनट वाली ORB प्लस वाली कैंडल भी फॉलो करो ना, तो भी आपको काउंटर ट्रेड तो डालना ही है। हमें क्या पता, ये तो एंड ऑफ डे है तो ये इतना अच्छा चार्ट लगता है। जब आपने यहाँ पे चार्ट ट्रेड डाला होता तो आपको थोड़ी पता, मुझे थोड़ी पता होगा कि क्या होने वाला है। इसलिए मैं बोलता हूँ स्टॉक मार्केट में प्रिडिक्ट मत करो, दोनों साइड के ट्रेड लगाओ। अब इसमें क्या होगा कि निचले वाला ट्रेड तो एग्जीक्यूट किया ही नहीं होगा, तो अच्छी बात है नहीं किया होगा, पर दूसरे स्टॉक देखा ना जिसमें जिगजैग था उसमें तो क्या होगा। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान ब्रोकरेज का होगा या तो 1% लोग होगा, पर जो अनलिमिटेड लॉस नहीं होगा, मैं ये बात कह रहा हूँ। ठीक है, ये रिलायंस देख लिया, और कोई स्टॉक देख से, हाँ बैंक निफ्टी जरूर देखते हैं, काफ़ी लोग ट्रेड करते हैं बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी का वन डे देखने से पहले मैं तो 5 डे चार्ट देखते होंगे कि बैंक निफ्टी में हुआ क्या है। तो बैंक निफ्टी भी 3 अगस्त से अब चल रही है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो 2 या 3 दिन थे 6 या 7 तारीख, उसमें थोड़ा एक था वो डिस्ट्रीब्यूशन फेज जैसा, वहाँ पर आगे रेंज आगे नहीं बढ़ रही थी, तो थोड़ा तकलीफदायक था वो। फिर अगर 10 दिन का ट्रेंड देख ले तो वो भी देख लेते कि इसका इमीजिएट ट्रेंड क्या था 10 दिन में। तो हालांकि ओवरऑल तो ऊपर ही गई है, पर बीच में यहाँ पे जो जिगजैग वाली पैटर्न थी वो यहाँ पे डाउन ट्रेंड में आ रही है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी बोल सकते कि ओवरऑल नेट अप जा रही है, पर हाँ वो फ्लक्चुएट बहुत कर रही है, ठीक है। तो मुझे इसमें कॉशियस रहना पड़ेगा। तो वन डे में क्या हो रहा था वो देख लीजिए कि वन डे में क्या हुआ, सेम जैसे निफ्टी का चार्ट याद है, थोड़ा बहुत उससे मिलता जुलता ही हमेशा चार्ट होता है। तो अगर मैं ORB में निफ्टी और मैं बैंक निफ्टी में भी ORB फॉलो करता ना, तो देखिए दोस्तों कि यहाँ से मैं ऊपर चढ़ता 27902 से लेके आप सोचो कि 28, कितने पॉइंट कितने लॉट का आपको प्रॉफिट हुआ होगा। अगर आप 1 या 2 लॉट से खेलते हैं ना तो भी 2-3 हज़ार का आपको प्रॉफिट हुआ होगा, राइट। बैंक निफ्टी में ज़्यादातर लोग क्या फॉलो करते हैं वो भी सही है, 0.5% का भी प्रॉफिट हो तो बुक कर लो, 0.50 का भी हो तो बुक कर लो, 0.75 का भी हो तो बुक कर लो, फटाफट बुक करते जाओ ट्रेड करते जाओ, बुक करते जाओ ट्रेड करते जाओ, ऐसा भी लोग करते हैं, राइट। तो वो भी एक अच्छी स्ट्रेटेजी है। फिर जो 12 PM वाली स्ट्रेटेजी, उसमें क्या हुआ कि ये जो चार्ट था जो निफ्टी जैसा थोड़ा रहा कि यहाँ पे स्टॉप लॉस वाला चीज़ ट्रिगर हो गई होगी, क्योंकि ये अगर मैं बाई साइड घुसा हूँ तो ऊपर कॉल एग्जीक्यूट हो गया फिर से नीचे आ गया, पर मेरा जो काउंटर ट्रेड था उसकी वजह से मुझे प्रॉफिट मिल रहा होगा, समझ रहे हो। तो ये इंपॉर्टेंट है, देख लो स्टॉक मार्केट में होता क्या है कि कई बार आपका दिन बहुत अच्छा जाएगा और कई बार आपका दिन बुरा जाएगा। जब मैं बुरा दिन की बात करता हूँ तो उसके लिए प्रिपरेशन मुझे काउंटर ट्रेडिंग हमेशा हेल्प करती है। तो मेरे जो आसपास ट्रेडर्स बैठे हैं उससे मेरे को कम ही लॉस हुआ होगा, ठीक है। तो ये भी देख लिया हमने, ठीक है। बैंकिंग का अगर स्टॉक देखूंगा क्या होगा, ऑलमोस्ट पैटर्न थोड़ी सेम ही आएगी, थोड़ा एक दूसरा है IT सेक्टर का भी एक देख लेते हैं, कोई भी देखो मजा आएगा। देखो ये जो 15 मिनट वाली कैंडल है तो मैंने क्या रखा होगा कि इससे थोड़ा ऊपर जाए, मतलब जो 1970 है तो 1973 का ऐसा कोई ट्रेड डाला होगा। अब इसमें क्या किया, ये जो हाई मारा था वो 1970 का था, ये कुछ चार्ट में प्रॉब्लम तो नहीं है, ये दोनों सेम बता रहे हैं, नहीं तो यहाँ पे भी हाई 1970 का मारा, तो मेरा बाय साइड का तो यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं हुआ होगा, राइट। ये इससे नीचे चला गया, इसका लो कितना था 1964, इसका लो कितना था 1960। मैं ज़्यादातर क्या करता हूँ 3 या 4 रुपये करता हूँ, तो मान लेता हूँ कि यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ होगा तो बाद में यहाँ पे मैं लॉस में आ गया होगा यहाँ पे। पर मेरा क्योंकि काउंटर ट्रेड भी एग्जीक्यूट हुआ होगा इसके ऊपर वाला, तो मैं क्या कर दूंगा प्रॉफिट में फिर से मैं आ जाऊंगा, राइट। तो देखो यहाँ तक ये वाली कैंडल है तक मैं क्या रहा, लॉस वाले स्टेट में था, मेरा लॉस हुआ था, पर इस कैंडल के बाद बाइंग वाला ट्रेड एग्जीक्यूट में प्रॉफिट में आ गया, समझ रहे हो। देखो चीज़ें जब टफ हो तो उसके उसमें प्रोटेक्शन लेना पड़ता है चीज़ों का, ठीक है। कोई अच्छा सा और स्टॉक देख लेते हैं, TCS देख लिया हमने,
और कौन सा देख सकते हैं, हीरो मोटो को ये ऑटो स्टॉक है इसलिए मैं ले रहा हूँ। हर एक सेक्टर का एक एक स्टॉक लेते हैं तो कुछ पता चलता है कि क्या हुआ पूरे दिन में, तो ये वाला है ठीक है। जैसे मगर मैं ORB फॉलो करता। अच्छा हाँ, एक चीज़ तो हमने एनालाइज करनी रह गई, जब हमने कौन सा पिछला स्टॉक जो लिया था उसमें TCS में, कि जो 12 PM वाली स्ट्रेटेजी थी उसमें क्या हुआ था। अच्छा तो 12 PM वाली, देखो 12 PM फॉलो करता ना तो 100% प्रॉफिट था। मुझे इतना पता नहीं था कि ये 12 PM वाली स्ट्रेटेजी इतनी सक्सेसफुल जाएगी, पर मैं हर रोज इसको स्टडी करता हूँ ना तो एक्चुअली ORB प्लस से ज़्यादा 12 PM में मुझे ज़्यादा प्रॉफिट होता है ठीक है। कोई चांस ही नहीं था कि इसमें लॉस हो, ऐसा हो जाता है। अच्छा कौन सा स्टॉक लिया था, हीरो मोटो। हीरो मोटो, अच्छा हीरो मोटो देख लेते हैं कि क्या हुआ था उसमें। हीरो मोटो देखने से पहले उसका एक 5 डे का देख लेते हैं, ये थोड़ा TCS में भूल गए हम ये देखना। अच्छा ओवरऑल ये अप जा रहा है पर ये थोड़ा हमें दगाबाजी कर करके अप जा रहा है, थोड़ा डिफिकल्ट चार्ट लग रहा है इसका राइट। 10 डे का एक देख लेते हैं ठीक है, ये ऊपर ही जा रहा है, बीच में परेशान कर करके ऊपर जा रहा है ठीक है देख कोई बात नहीं। अच्छा और भी है तो और भी में ये यहाँ पे जो है ये कितना हाई मारा था इसने 3313 का और यहाँ पे मार दिया 18, तो और भी वाले में क्या होता कि मेरा ऊपर का ट्रेड ट्रिगर होके फिर ये मुझे स्टॉप लॉस हिट कर जाता, और यहाँ से कौन सा था 3298 से इसने लो मारा 3287 और 3295 ठीक है। ORB वाली स्ट्रेटेजी इसमें थोड़ी इतनी कामयाब नहीं हो रही है। ये वाला देखिए 12 PM वाला, देखा 12 PM में फिर से निकला 100% प्रॉफिट। तो देखो मैं हर एक चीज़ बोलता हूँ ना उसका कोई रीज़न होता है। ORB वाली जो स्ट्रेटेजी है ना वो आप देख लो कि जहाँ पे ट्रेंड होगा, कंफर्म ट्रेंड होगा ना कोई, अगर कोई स्टॉक में मोमेंटम है या तो बेरिश मोमेंटम है या तो बुलिश है तो प्रॉफिट देगा ही देगा। 12 PM वाली स्ट्रेटेजी क्या है, जिगजैग वाली चीज़ है, परेशान करने वाला स्टॉक है, उसमें ये कामयाब होती है। ये मैंने देख ली, ये जो दो चीज़ आप भी देख लीजिए ठीक है। तो ये सब समझना पड़ता है। काफ़ी लोग बोलते हैं कि इतनी स्ट्रेटेजी क्यों है, होनी पड़ती है, पैसा कमाना है तो हर एक चीज़ में ध्यान रखना पड़ेगा ठीक है। और कोई बात नहीं, एक स्ट्रेटेजी के ट्रेंड में लॉस हुआ तो दूसरे में अपने को प्रॉफिट हो रहा है, ये भी देख लिया आपने ठीक है। तो हर एक चीज़ का कोई एक बीमारी है तो उसका जड़ सॉल्यूशन भी हो सकता है ठीक है। ओके एक और चीज़ देख लेते हैं कि जो NSE के जो टॉप लूजर गेनर है उसमें क्या होता है कि मैं ये इसलिए जल्दी से देखना चाहता हूँ क्योंकि कोई स्टॉक अगर गेन हुआ है ना ओवरऑल डे में तो उसमें कोई मोमेंटम होगा ही होगा। बिना कुछ देखे अपने ये देख लेते हैं कि फॉर रिलायंस को तो हमने देख लिया, कोई एक दूसरा स्टॉक ले लेते हैं जैसे कि बजाज फाइनेंस का देख लेते हैं जिसमें टॉप में था ठीक है। तो उसके भी एक देख लेते हैं बजाज फाइनेंस, तो बजाज फाइनेंस का 5 डे का एक चार्ट देख लेते हैं अपने। देखो तो बजाज फाइनेंस जो है वो 6-7 अगस्त से मतलब कल ही एक अप आया था और बाकी तो वो एकदम नीचे ही चल रहा है राइट। तो 10 दिन का एक चार्ट देख लेते हैं वो उसका ताकि जल्दी से पता चल जाएगा राइट। 10 दिन में क्या पता चल रहा है, वो अभी एक हाई मार्क के नीचे आया हुआ है ठीक है। तो कोई कंफर्म ट्रेंड नहीं है राइट, इसमें कंफर्म ट्रेंड नहीं है, अपने को ऐसा इमीडिएट ट्रेंड में पता नहीं कर पा रहा हूँ ठीक है। अब क्या हो रहा है, 1 डे में देखिए, तो 1 डे में अगर मैंने देखा तो ये मेरी ORB प्लस वाली फर्स्ट कैंडल हुई 5-5 मिनट की, 3 उसकी या तो उसको फॉलो करो उसका हाई लो या तो 15 मिनट का हाई लो फॉलो करो, दोनों सेम ही हुआ राइट। तो इसके ऊपर मैंने डाला होगा, अब या तो इसके नीचे दोनों चीज़ काउंटर ट्रेड डाल के देखा होगा। देखो ये काउंटर ट्रेड था ना जो ये वाला लॉस नीचे वाला, तो वो तो एग्जीक्यूट ही नहीं होगा क्योंकि इसके नीचे मार्केट गया नहीं, पर इसके ऊपर ही मार्केट टिका रहा तो 100% प्रॉफिट हुआ होगा आराम से ठीक है। क्योंकि अब इसमें इंट्राडे के लिए कन्फर्म ट्रेड आ गया होगा ठीक है। तो मुझे ये NSE मुझे बताए कि ना बताए, अगर मैं ORB में इस पर फॉलो करता तो मैं प्रॉफिट में आता ही आता, कोई शक नहीं है उसमें ठीक है। दूसरा 12 PM अगर ये स्टॉक कंफर्मेशन में है ना तो 12 PM के बाद भी एंटर करो 12 PM वाली कैंडल पे तो भी आप प्रॉफिट में आ जाएंगे, कोई शक रहा। मैंने क्या बोला, मैं हमेशा बोलता हूँ मेरी जो जितनी भी स्ट्रेटजी है वो बहुत सिंपल होगी, और जहाँ पे अगर उसको ट्रेंड मिल गया ना
तो आपका 100% प्रॉफिट कराएगी। अगर ट्रेंड नहीं मिला ना तो 12 पीएम वाली स्ट्रेटेजी तो प्रॉफिट कराएगी, ठीक है। इतने समझ में आ गया। दूसरा, यहाँ पे काउंटर ट्रेड डाला था, अच्छा हुआ कोई एग्जीक्यूट नहीं हुआ क्योंकि उसकी जरूरत नहीं थी, पर हमें तो काउंटर ट्रेड करना ही करना है, ठीक है। चलो यह पता चल गया। और एक लूजर्स में से ये सब सबको आप एनालाइज कर सकते हैं अपने तरीके से, कर लेना क्योंकि मैं ये वीडियो बनना तो बहुत बड़ा हो जाएगा। जैसे लूबिन है, मारुति है, कोई सा भी एक स्टॉक ले सकते हैं। मैं इसलिए देख रहा हूँ दोस्तों, मैं ये इसलिए आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि जो स्टॉक टॉप गेनर और लूजर में होते हैं ना, जो फर्स्ट आवर ट्रेडिंग का होता है ना 10 बजे, तब भी आप देखो ना, तब भी ज़्यादातर चांसेस ये है कि यही स्टॉक में बिकवाली या तो खरीदारी होगी। तो आप जो 10 बजे का डेटा है ना, उससे भी एक स्ट्रेटेजी बनती है कि जो 10 बजे तक जो स्टॉक में हाई गेनिंग या हाई लूजिंग आती है ना, उसका भी ब्रेकआउट अगर 10 बजे के बाद चेंज होता है ना, उस पर भी आप ट्रेड कर सकते हो। मैं सिर्फ इसलिए ये देख रहा हूँ, बाकी मुझे देखने की ज़रूरत नहीं है, ताकि आपको थोड़ा पता चले क्या हुआ, ठीक है। क्योंकि काफ़ी सारे जो स्टॉक होते हैं वो हमेशा हाई वॉल्यूम यहाँ पे स्टॉक आएंगे, राइट। तो लूपिन एक देख लेते हैं, तो लूपिन का क्या है वो भी एक देख लेते हैं कि 5 डे का उसका एनालिसिस दे सकते हैं। तो आज का दिन बात करूँ तो वो क्या था, कंटिन्यूसली हर एक दिन ऊपर नीचे हो रहा है, राइट, ये स्टॉक। तो काफ़ी लोगों को लगता है इंट्राडे टॉप है, ऐसा नहीं है। और वो ऐसा तो नहीं होगा कि आपको हर एक चीज़ तैयारी मिलेगी। अच्छा, तो अभी मुझे क्या पता चला, थोड़ा 10 दिन का स्टॉक देखा, तो 26 जुलाई से लेके वो कंटिन्यूसली अप में था और अभी उसमें सेलिंग आ रही है। देखो ये 10 दिन का स्टॉक देख, अपने चार्ट देखा तो इतना पता चल गया कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर जो आज वो इतना लो मारा है तो वो यहाँ जाके रुका है, वो लो उसने मारा था 31 तारीख को 821 का लो मारा था, तो अभी ये 818 जाके आया, राइट, इतना जाके आया। हाँ, यहाँ तक वो जाके आया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, थोड़ा मुझे और इसका इंटरेस्ट जगा हुआ है तो मैं 1 मंथ का डेली चार्ट देख लूँगा कि इसमें हो क्या रहा है लूपिन में, ठीक है। ये 1 मंथ का डेली चार्ट है, तो डेली के बेस पे अगर डेली कैंडल देखो तो इसमें ऐसा लग रहा है कि सेलिंग आ चुका है इसमें। यहाँ तक कि बाइंग था, ये 26 तारीख से बाय बाय हो रहा था और यहाँ से फिर से सेलिंग आ गया, ठीक है। तो मुझे अब पता चल गया कि इस स्टॉक में हो क्या रहा है, ठीक है। कम से कम ये पता नहीं था, पर मैं अगर डेली चार्ट देखूँ इंट्राडे करने से पहले, तो मेरे पास ये 2 कैंडल तो थी, तो मुझे ये तो पता चल गया कि 26 से ऊपर जा रहा है और अभी यहाँ से सेलिंग आ गई है, ठीक है, इतना मुझे पता था, ठीक है। अब 1 डे में क्या हुआ वो देख लेते हैं फटाफट। 15 मिनट, ठीक है। अच्छा, 1 डे में देख लेते हैं क्या हुआ। तो अगर मैं ORB फॉलो करता यहाँ पे तो क्या होता कि पहले मुझे ऊपर ही आसा प्रॉफिट तो देता ही देता, ठीक है। अगर मैंने 0.5% या 0.25 का टारगेट रखा है तो मुझे देता, पर फिर वो ट्रिगर करके नीचे चला जाता, तो क्या होता बताए कि इसका लॉस कवर करवा के वो नीचे की ट्रेड में यहाँ से घुस जाता, ठीक है। फिर क्या हुआ, 12 PM वाली स्ट्रेटेजी बताई, 12 PM में भी एक बार ट्रिगर हो चुका होता लॉस मेरा, ठीक है। पर जीरो पॉइंट, जैसे कि मैं मान लूँ कि अगर ओवरऑल मुझे 1000 रुपये का ये प्रॉफिट देता लूपिंग, हाइपोथेटिकल सिनेरियो, मैं सिर्फ हाइपोथेटिकल सिनेरियो बोल रहा हूँ कि नेट मुझे 1000 प्रॉफिट देता, तो क्योंकि मैंने काउंटर ट्रेड डाल के बैठा था तो जो मेरा बाय वाला ट्रिक जो है वो लॉस में आ चुका होता, मुझे कम से कम 250 रुपये का नुकसान होता, 200-250 का, बाकी का मुझे प्रॉफिट होता। तो देखो ये क्या हुआ, एक डिफिकल्ट डे रहा लूपिन के लिए, इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए, ठीक है। कि फॉर एग्जाम्पल हमने 2 दिन स्ट्रेटेजी देखी तो उसमें क्या हुआ, इसमें कि दोनों में स्टॉप लॉस ट्रिगर हो रहे हैं एक साइड के, ठीक है, दूसरी साइड तो ट्रेड आ गया है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि काउंटर ट्रेड करो आप, ठीक है। तो इसमें भी, इसमें क्या होगा, आपने देखा होगा कि हमने जितने काउंटर ट्रेडिंग वाले स्टॉक देखे उसमें क्या हुआ कि कम से कम हमारा लॉस बहुत कम हो जा रहा है, 70-80%। और अगर बहुत खराब दिन है तो क्या होगा कि ब्रोकरेज देके निकल जाओगे, ठीक है, पर आप अकेले एक साइड नहीं बैठोगे, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना रखता है, मैं हर एक स्टॉक कवर नहीं कर सकता, पर आप भी एनालिसिस इस तरह से कर सकते हैं। और मैंने ऑलरेडी 4-5 स्ट्रेटेजी अपलोड की है, मैं और भी करता रहूँगा, ऐसा नहीं कि ये 2 स्ट्रेटेजी है, पर ये थोड़ी 2 स्ट्रेटेजी ऐसी कि कोई भी स्टॉक में आप यूज़ कर सकते हो। बाकी बैंक निफ्टी और निफ्टी को थोड़ा अलग तरीके से अप्रोच करना है, ये ध्यान में रखिए, मैं एक डिस्क्लेमर दे रहा हूँ। मैं ज़्यादातर ये करता हूँ कि थोड़ी स्ट्रेटेजी वहाँ पे ट्विक कर देता हूँ, क्योंकि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों इंडाइसेस है, ठीक है दोस्तों। तो थैंक यू सो मच। और जो लोग वीडियोस पहली बार देख रहे हैं उनको ये बता दूँ कि कुछ प्रोग्राम
बहुत अच्छे कॉल बेसिस पे इनिशिएट किए हैं, इंट्राडे मास्टर, स्विंग मास्टर, बैंक निफ्टी, निफ्टी ऑप्शन ट्रेडिंग मास्टर, ये जो एक्चुअली तो 15 प्रोग्राम्स है। आप डिटेल्स देख सकते हैं यूट्यूब के चैनल में, वीडियो में जाके हर एक प्रोग्राम के बारे में डिटेल बताइए। बहुत सीरियस प्रोग्राम है और अभी के लिए ये जो चार प्रोग्राम है वो सिर्फ 99 रुपीज़ पर मंथ में लॉन्च किया, 1000 रुपीज़ में आपको डेली बेसिस पे इसके कॉल्स वगैरह मिलेंगे, ठीक है। तो इस यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में मैंने इसके लिंक वगैरह दी, आप ज्वाइन कर सकते हैं, मोस्ट वेलकम, ठीक है। और आप अगर अपनी तरह से भी ट्रेड कर रहे हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो पैसा तो बने के gmail.com पे आप क्वेश्चन कर सकते हो, और हमारा जो फेसबुक ग्रुप है दोस्तों आप उसमें भी ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। दोस्तों आपका टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, आई विश यू लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस।